गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुजरात वाला सीरीज आप देख रहे थे और उसको कंप्लीट किया। बहुत ही मजेदार रहा वो गुजरात का सीरीज, मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस यार, और अनएक्सपेक्टेड था। मतलब गुजरात में ऐसे ऐसे लोकेशंस होंगे ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था यार, कभी सोचा ही नहीं था। उसके बाद भी जब लास्ट डे था तो इतना थ्रिलिंग था वो कि क्या ही बताया जाए यार। मतलब वो जगह, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्लेस जो था वो उकाई डैम, वो सीनिक ब्यूटी, माय गॉड, मतलब सोचा ही नहीं था यार कि इतना खूबसूरत होगा ना वो जगह। एंजॉय कर रहे थे उस प्लेस को और टाइम देखा ही नहीं मैंने, 5:30 हो गया था। फिर अचानक से एक बार लगा कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं कि गूगल मैप पे कितना, मतलब देर दिखा रहा है वो। ऑलमोस्ट 2 घंटे के लगभग था, मेरी जान निकल आई भाई। मैंने बोला आप भगाओ वरना जो है हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि पहुंच नहीं पाएंगे टाइम से और 2 घंटे पहले तो पहुंचना ही पहुंचना होता है एयरपोर्ट। तो इसी तरह जो है भगाया था गाड़ी। फिर एक शॉर्टकट लेने के चक्कर में क्या हुआ कि हम जो है एक कीचड़ वाले रास्ते में फंसे और गाड़ी फंस चुकी थी एक, तो बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट रह गया। मतलब वो जो होता है ना कि अंदर में धक 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 हो रहा था कि भाई पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, गेट क्लोज हो जाएगा। ऑलमोस्ट 8:30 का ETA दिखा रहा था, फिर 8:15 हुआ, देन 8:05 हुआ। जैसे 8:05 हुआ मुझे समझ में आ गया कि नहीं अब ठीक है, नाउ आई कैन रिलैक्स कि चलो ठीक है अब तो पहुंच जाएंगे, मतलब अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली ऐसा हुआ कि हम चेक इन कर लिए। उसके बाद फिर सभी को फोन किया और थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच यार, तुम लोग ने अगर रिपोर्ट नहीं दिखाया होता तो फिर शायद नहीं पहुंच पाते। ये सब कुछ जो चल रहा था ना, इसमें जो धड़कन है ना, हार्ट बीट भाई बक बक बम 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 की तरह जो है ना, मतलब बज रहा था, धक 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 धक, तो क्या ही बताया जाए। मतलब वो ना वो एक्सपीरियंस करने पे ही पता लग सकता है कि मतलब यू फील लाइक योर हार्ट इज पंपिंग लाइक एनीथिंग। तो मजा आ गया यार, मतलब जो एक्साइटमेंट था कि क्या बताऊं, मतलब जो थ्रिल, जो एक्साइटमेंट बोलो या जो कुछ भी बोलो यार। और अल्टीमेटली फाइनली आई रीच्ड होम। फिर यहाँ आने के बाद फिर लगेज का डिले होना, फिर तो ऑलमोस्ट 12:30 के लगभग घर पहुंचे, देन थोड़ी देर बातें किया, उसके बाद फिर सो गए थे। ये सारा एक्साइटमेंट वाला जो दौर था ना, ये सब आपको दिखाई दिया होगा कैमरे में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि छूट भी गई, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जिसको कि रिकॉर्ड करना चाहिए था। जिस समय आप ना पैनिक हो रहे होते हो ना, उस समय आप ना मतलब कैमरा उठा करके उस चीज़ को नहीं रिकॉर्ड करते। ये ना विथ टाइम आता है कि नहीं चलो ठीक है रिकॉर्ड कर ही लेते। कुछ मोमेंट्स थे जो कि ना मेरे ख्याल से आरव के पास मेरा फ़ोन था, दोनों ही फ़ोन उसके पास था, तो कुछ मोमेंट्स था ऐसा जो कि ना उसने रिकॉर्ड किया था। तो हो सकता है कि वो आपको दिखाई दिया होगा, मतलब थोड़ा सा झलक दिखाई दिया होगा उसका। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए मैंने ट्रिप एंड किया था और फुल ऑफ एक्साइटमेंट था। तो खैर पुरानी बातें क्या ही करूं मैं इस एपिसोड में, आपने सब कुछ तो देखा ही होगा। सो ऑलमोस्ट 5-6 दिनों के बाद जो है अपने कार में बैठा हूँ तो एक अलग सी फीलिंग भी आ रही है, मतलब मज़ा आ रहा है ना। अपनी गाड़ी में बैठ करके ड्राइव करने का जो फन होता है ना, वो तो खैर वही लोग समझ सकते हैं ना जो गाड़ी से प्यार करते हैं, जो जिनका ना मतलब इमोशनल अटैचमेंट होता है गाड़ियों से ना, वही इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो खैर फिलहाल के लिए अभी जाएंगे हम सेंटर फॉर साइट। सो सेंटर फॉर साइट का काम ख़त्म किया और अब यहाँ नज़र आ रहा है 85 किलोमीटर डिस्टेंस टू MT 85 किलोमीटर। मतलब अब भाई डीजल फिल कराना है ये तो हम भूल ही गए, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए ना गाड़ी के साथ। तो अब भी फिलहाल चलते हैं, सबसे पहला काम तो ये करना है कि भाई डीजल फुल कराना है और उसके बाद ही कुछ करते हैं, क्योंकि पता लगा वैसे तो अभी डिस्टेंस टू MT 85 किलोमीटर है, 85 किलोमीटर हम कहीं जाने वाले हैं नहीं, मतलब यहाँ से कहाँ ही चले जाएंगे, यहाँ से भाई साहब वापस घर ही जाना है, तो 2-3 किलोमीटर ही है। बट फिर भी एक बार ना मतलब वो एनजाइटी बनी रहती है यार, अगर यहाँ पे 100 किलोमीटर से नीचे रहता है ना रेंज, तो लगता है नहीं चलो ठीक है डीजल फिल करा ही लेते हैं, डीजल फिल करा ही लेते हैं। तो वो ना दिमाग में एक बना हुआ है कि 100 किलोमीटर से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जंगल से जो है, कॉन्क्रीट के जंगल और कार्स के भरमार में। तो अभी कुछ देर पहले, मतलब कुछ दिनों पहले आपने देखा ही होगा जो व्लॉग, उसमें जो है हम बात कर रहे थे कि जंगल में ले जा रहे हैं, कोर जंगल में ले जा रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं, नेचर के करीब, ग्रीनरी, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। एक लाइन से जो है ना आंख भर गए भाई, कार देखते देखते इतनी सारी गाड़ियां हैं रोड पे कि क्या ही बताया जाए। मतलब खैर ये लाइफ चल रही है, इसलिए वो लाइफ है और वो लाइफ को देखने के लिए हम इंतजार करते हैं, इसलिए ये लाइफ हम झेल लेते हैं। मतलब दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना मन में जो है ना वो खटास तो रहती है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा ईज ऑफ हो सकता था,
काश जिंदगी थोड़ी और स्मूथ होती तो मजा आता। अभी फिलहाल के लिए हम अरविंदो मार्ग पे हैं और अरविंदो मार्ग पे एज यूजुअल बहुत ट्रैफिक जाम होता है, और जैसे ही ये ट्रैफिक जाम खुलेगा फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से अपने घर की तरफ। और आप इस प्लेस से तो वाकिफ हैं ही, इस प्लेस पे तो मैं कितनी बार दिखा चुका हूँ, तो कभी भी अगर दिल्ली में रह रहे होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ एक ही पेट्रोल पंप से हमेशा ही डीजल फिल कराएं, सो दैट कि ना हमें वो गाड़ी का एवरेज का अंदाज़ा लगे कि हाँ भाई कितना एवरेज निकाल रही है गाड़ी अभी फ़िलहाल के लिए, कोई दिक्कत है। मतलब कभी अगर कम होता है ना तो कभी कभी ये बोलते हैं ना कि हाँ मतलब आपने पेट्रोल पंप चेंज किया होगा उसके कारण हो सकता है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हमेशा ही एक ही पेट्रोल पंप से डीजल फिल कराएं, सो दैट कि हमें अंदाज़ा रहे कि हाँ कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और डीजल यहाँ पे जो है वो 89 रुपीज़ है, गुजरात में जो था वो 93 रुपीज़ था। सो एज अ रिचुअल यहाँ से जब कभी भी डीजल फिल कराते हैं तो यहाँ आकर के एक बार जो है महीने में, और टायर का प्रेशर तो ज़रूर चेक करा लेना चाहिए, इससे ये रहता है कि हाँ मतलब आपका जो है टायर जो वोर आउट हो जाता है बहुत जल्दी वो नहीं होगा, तो सभी में जो है प्रेशर चेक करा रहे हैं। यहाँ पे इक्वल प्रेशर हो जाए तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्या हाल है भैया? भाई डीजल का काम फुल हो गया, डीजल टैंक में फुल हो गया तो एक अलग ही रिलीफ आ गया ना, मज़ा सा आ गया था भाई कि हाँ चलो ठीक है डीजल तो भर गया। अब जो है सो अगला कार्यक्रम है कि अब भाई घर चला जाए, और थोड़ा सा लेट नाइट निकलेंगे क्योंकि गुड़गांव में अपने को भाई से मिलना है जो हिमाचल से आया हुआ है, और हिमाचल से जो आए हैं तो भाई कुछ लेके आए हैं, और वो क्या लेके आए हैं वो सामने बताएंगे आपको। तो भाई रात के बज रहे हैं 10, टू बी वेरी प्रिसाइज 10:16, और अब जाकर के घर से निकले हैं, और एक ही कारण था इतने लेट से घर से निकलने का कि आई डोंट वांट टू गेट स्टक इन ट्रैफिक। तो गुड़गांव जाना था, जाकड़ भाई से मिलना है, और जाकड़ भाई जो है हिमाचल के ट्रिप पे थे, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के लिए ट्रिप पे थे, और एक हफ्ते के ट्रिप के बाद वो वापस आए हैं। अभी फिलहाल के लिए तो घर से निकल चुके हैं, समय हो चुका है 10:17, और आप सोच रहे होगे इतनी रात में क्यों निकले हैं भाई, तो इतनी रात में निकलने का एक ही वजह था कि भाई ट्रैफिक ना मिले हमें, और ट्रैफिक में फंसने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था यार कि हाँ मैं ट्रैफिक में फंसे रहूं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा लेट आऊंगा मैं। नॉर्मली क्या होता है ना कि एक घंटे का समय मिनिमम लगता ही लगता है भाई गुड़गांव जाने में, यहाँ से ऑलमोस्ट 52 मिनट्स 57 मिनट्स 54 मिनट्स ऐसे करके लगता ही लगता है, और अभी आप देखो गूगल माता बता रही है 31 मिनट्स में आप पहुंच जाओगे। तो यही कारण था कि मैं जो है जाकड़ भाई को रिक्वेस्ट किया कि एक काम करता हूँ मैं थोड़ा लेट आता हूँ ना, मतलब नॉर्मली 8-9 बजे की जगह मैं 10 बजे के लगभग घर से निकलना पसंद करूंगा, और आधे घंटे में पहुंच करके काम करके फिर वापस जाएंगे। तो इस रोड पे आते के साथ ही जो है ना सारा ट्रैफिक खत्म हो जाता है, चाहे दिन में आओ या रात में आओ, ये वाला रोड तो यार हमेशा से ही ऐसा रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए पहुंचने में ऑलमोस्ट 9 मिनट रह गए, विक्रम भाई को पिक करने जाना है, तो जाकर भाई ने बोला चले दोनों ही चल करके लाते, वो भारी इंसान है भाई, बड़े लोग बड़े इंसान, तो उनको उठा के लाने के लिए भाई अकेले तो नहीं ला सकते हैं, तो भाई साहब को उठाने के लिए कोई और को भी बुलाना पड़ेगा। भाई कितने आराम से पहुंच गए आज ना गुड़गांव, मतलब कोई जरा सा भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, ये ना बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 4 मिनट में पहुंचने ही वाले हैं, तो फिलहाल के लिए इंतजार करते हैं कि भाई लोगों का। सो फाइनली यार अपने अड्डे पे पहुंच चुके हैं, और अब भी यहाँ पे हम वेट करेंगे। भाई साहब क्या टाइमिंग है यार, क्या टाइमिंग है, देखो भाई बिल्कुल पीछे पहुंचा हुआ है, तो गाड़ी लगाते हैं कहीं पे और उसके बाद फिर चलते हैं राहुल भाई के साथ। तो भाई ऑलमोस्ट कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? हो गया अपन लास्ट मेरे ख्याल तब मिले थे,
ब्लू टोकाई गए थे, ब्लू टोकाई रात में जब गए थे गाड़ी वाड़ी का कुछ। आप ना रूफ टॉप कैंपिंग जाने से पहले जब आप लगा करके वहाँ से वापस आ रहे थे, पहले राउंड में अच्छा ये दूसरा राउंड था आपका, मतलब पहला राउंड में करके ही नहीं आया गया था ना, वो सिचुएशन जो भगवान ने ऐसी बना दी थी कुदरत का करिश्मा हो गया था, हम अपनी जान को बचा के घर पहुंचे हैं। तो वही डिस्कशन चल रहा है अब हमारे बीच में ना कि हाँ भाई क्या हुआ था उस ट्रिप पे, कैसा रहा था, लोगों को चेहरे का निखार दिखा देते हैं। नहीं नहीं जरूर जरूर चेहरे का निखार भी दिखाना चाहिए भाई, पहाड़ों से आए हैं हम तो भाई, गुजरात से आ रहे हैं ना, सेम लाए पहाड़ी सेम लाए। हाँ अरे भाई एकदम एकदम, इसीलिए तो फिलहाल के लिए अभी हम गोल्फ कोर्स रोड पहुंच चुके हैं और हमारे साथ जो है एक और सदस्य जुड़ने वाले हैं। वो सदस्य इतने अच्छे और इतने मतलब दिलों के अच्छे हैं ना कि क्या बताऊं, और बहुत बड़े भी हैं। तो अच्छा ये ना वो हो गया जैसे न्यूज चैनल पे नहीं होता, अभी हमारे साथ एक संवाददाता और जुड़ने वाले हैं, वो अभी वहीं पे हैं और ये उनकी डिटेलिंग करे तो उसे समा बांधना पड़ता है ना उनको लाने से पहले, तो ही समा बांध रहे थे, अकेले मैं ला नहीं सकता था उनको, तो मैंने सोचा भाई किसको फोन करूं, तो याद आया भाई जाकर भाई को फोन करते हैं और दोनों भाई मिलकर के लेकर के आएंगे। तो अब भी फिलहाल के लिए उनके घर की तरफ बढ़ते हैं, जब वो मिलते हैं फिर आपसे मिलवाते हैं। उनके पास जाने के लिए बीच में हमारा घर भी तो आता है ना, हाँ। मतलब हमारी पुलिस चौकी लगती है। अच्छा तो हाँ भाई वहाँ पे टोल नाका पे तो विक्रम भैया की उस पे जाना है, क्या कहते हैं उसे, पुलिस थाने, पुलिस थाने पे जाना है तो बीच में जाकड़ की चौकी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ से जाना, नाका चौकी पार करके ही तो जाओगे भाई, पार करके ही जाओगे। बिल्कुल आई लव गुड़गांव तक आ गई है भाई। फाइनली विक्रम भाई आ चुके हैं ऑन बोर्ड और जिनको लेने के लिए हम। हेलो गाइस कैसे आप सब। अरे वाह क्या बात है, देखो आवाज में बुलंदी देखो इनकी। हेलो गाइस कैसे हो आप सब, आवाज तो अपनी ऑल द टाइम बुलंदी रहती है। बिल्कुल अलग बात है, हमारे घर की बिजली भागी हुई थी, मेरे पूरे ब्लॉक का ट्रांसफार्मर उड़ गया भाई। आपकी ना मतलब वो करंट नहीं सह पा रहे ना, मतलब आपको थोड़ा सा हायर एम्पियरेज का ना, स्ट्रेट सीधे जाना है, कहाँ लेके जा रहे हैं आप? ब्लूटूथ नहीं चलेंगे, ब्लूटूथ यहाँ नहीं चलते, क्राउड खराब हो गया सर का लेवल जो है ना, ब्लूटूथ से नीचे नहीं उतर सकते मनी भाई, और ब्लूटूथ का जैसे तो हो नहीं सकता। अरे क्या बात है, ये तो प्यार है भाई, ये तो प्यार है भाई। फाइनली अपने ब्लू टोकाई में आ गए और यहाँ पे जो है कॉफी ऑर्डर करते हैं भाई, तो कोल्ड पिएगा, कोल्ड एंड स्वीट। अच्छा कोल्ड एंड स्वीट, खट्टा पानी नहीं पीते हैं। क्या बात है भाई, कड़वा पानी नहीं पीते हैं? नहीं नहीं हम तो भाई कड़वा पानी ही पियेंगे। और भाई पता नहीं क्या ऑर्डर कर रहे हैं, आप क्या ऑर्डर कर रहे हो? नहीं मेरा तो हॉट है, हाँ दो हॉट है एक कोल्ड। खाना ऑर्डर किया था भाई का, खाना छीन लिया गया, उसका रीजन कौन है, ये भाई है हमारे छिनवा दिया। अभी से मेयोनीज वाला मंगाया, उन्होंने मेयोनीज वाला दिया नहीं, जाकर को बगैर मेयोनीज अच्छा लगता नहीं ना भाई, ले जाओ मेयोनीज डाल के दो भाई, भाई ने वापस करा दिया। बताओ यार खाना खा रहा था इतना अच्छा भला, पहले 20-25 मिनट में लेकर आए, हाँ ऊपर से खा रहे थे उठवा दिया भाई ने। भाई कॉफी खत्म कर लिया है, कॉफी विद करण तो नहीं था लेकिन कॉफी विद जाकड़ एंड हमारे प्रिय भाई के साथ तो जरूर था। तो फाइनली अब जाकर भाई लेके चलते हैं घर, क्योंकि रात बहुत हो गई है, मम्मी बहुत मारेगी यार, 12:30 हो रहे हैं अब भाई, मम्मी घर पे आई भी है ना। हाँ हाँ तभी तो बोल रहा हूँ मम्मी बहुत मारेगी, ऐसे काम लग रहा है, बहुत डर लग रहा है भाई, बहुत डर लग रहा है। इसकी फॉग लैम्प जो ऑन किया है ना उसके बाद हो गया, देखो रोड पे गजब भी दिख रहा है भाई, गजब भी दिख रहा है। अब ये गाड़ी निकल जान दो, देखो अभी अभी जो है ये नॉर्मल हेडलैम्प है ना, हेडलैम्प है और डीआरएल चल, डीआरएल से जल रहे हैं, फॉग लैम्प जलाऊं? हाँ हाँ, ओ भाई साहब गजब, ओनली फॉग लैम्प्स विदाउट प्रोजेक्टर। अच्छा ये सिर्फ ओनली फॉग लैम्प्स हैं? नहीं अभी हेडलाइट भी जल रही है, हेडलाइट भी जल रही है ना, पर वो इतना वो वाला सीन नहीं है हेडलाइट का। अच्छा तो ये रात के बज चुके हैं एक, और अब जो है घर जाके डांट भी सुनना है, तो भाई को कहते हैं गुड बाय। अच्छा आप उस डांट वाली वाइब में ही हो, रात के बज चुके हैं एक और अभी हमारा फट रहा है, घर जाना है, दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। अरे अभी क्लास वन के बच्चे को देखो डरा होता है, क्लास टू के बच्चे को थोड़ा कम, क्लास टेन पहुंचते पहुंचते कोई ना क्या दिक्कत, टीचर डर रहा होता है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं बैठ जा, तो वो वाली बात है ना। तो अभी क्लास नर्सरी प्रेप वन में ही है ना। अच्छा चलो भाई करते हैं गुड नाइट है ना, भाई को करते हैं बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले दिन, फिर घर जाके सोते हैं, अपनी नींद बढ़िया आ रही है। बिल्कुल सैंडविच तो ब्लूटूथ का वालों ने ऐसे खिलाया। भाई का चेहरा ना उस समय एक्सप्रेशन देखने लायक था, वो मैंने खा लिया, मैं कहा चलो अनाज की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, दादा ने यही सिखाया जो प्लेटों में मिल गया उसे खा, उसे खा लो बस बस, हमारे यहाँ भी घर पे यार ये बात बोलते हैं, जो आ गया उसे खा लो बस। तो करते हैं भाई गुड नाइट, गुड नाइट भाई को कर दिया है बाय बाय, और अब अपने गाड़ी में बैठते हैं भाई,